कृष्णा भगवान जी का फेवरेट माखन, दही और छेना से बनाया हुआ कोई भी मिठाई। जन्माष्टमी स्पेशल छेने के लड्डू मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसे हम लोग बंगाली में कच्चा गुल्ला और प्राणहरा भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम्ब किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल चॉकलेट कोकोनट लड्डू के रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। इधर मैंने एक कप 240 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा, हाफ कप 120 ml कंडेंस्ड मिल्क। अभी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाना है। अभी हमें और नहीं पकाना है, अभी हम गैस बंद कर देते हैं और दूसरा प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। हल्का सा गर्म रहेगा तब हम लड्डू बनाएंगे, ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे। मैंने हाथ में थोड़ा सा मेल्टेड बटर अप्लाई कर लिया है। अब घी अप्लाई ना करें, बटर अप्लाई करें, क्योंकि हमने कंडेंस्ड मिल्क डाला है ना, इसलिए थोड़ा स्टिकी होता है। अब इसमें कोई भी फ्लेवर ना डालें, रोज फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, कुछ भी ना डालें, सिंपल रखें। इसी तरह बाकी लड्डू भी मैं बना लेती हूँ। अगर आप ऐसा बनाने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, साइज छोटे बड़े हो रहा है, तो इसी तरह आप स्पून ले लीजिए, राउंड शेप का, थोड़ा डीप रहेगा। इसमें आप इसी तरह आपको जो भी जितना क्वांटिटी का चाहिए, इसमें साइज परफेक्ट होता है। देखिए एवरी टाइम इतना क्वांटिटी का लेके फिर आप लड्डू बनाए। थोड़ा बड़े साइज का है इसलिए मैं छोटे साइज का बना रही हूँ, इससे थोड़ा छोटे बना रही हूँ, मीडियम साइज का है। लड्डू मैंने बना लिया है। एक कप डेसिकेटेड कोकोनट से मैंने 9 पीसेस लड्डू बनाया है, लेकिन लड्डू सेट होने के लिए अभी हमें फ्रिज में रखना है 1/2 घंटे के लिए। इधर मैंने 100 ग्राम्स वॉलनट लिया है, यानी कि अखरोट। हमें मीडियम फ्लेम पे हमें जस्ट 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है। 4 मिनट हो गया, वॉलनट अच्छा से रोस्ट हो गया। अभी हम गैस बंद कर देते हैं, चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आप चाहो तो वॉलनट का जाएगा बादाम ले सकते हो, यानी कि अमंड्स। अभी हमें अखरोट फाइनली चॉप करना है। मिक्सी में ग्राइंड ना करें, इसी तरह फाइनली चॉप करें। अब एक बार रोस्ट कर लोगे ना, ज़्यादा क्रंची हो जाता है, फिर चॉप करने में इजी पड़ता है। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है। चलिए मैंने वॉलनट चॉप कर लिया है। ये देखिए फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें, इसलिए मैंने बोला है आप इसी तरह नाइफ लेके चॉप करें। इधर मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है, हर्शीज का मिल्क चॉकलेट। एक पैकेट में 43 ग्राम्स का है, मैंने 3 पैकेट लिया है और इसे मैंने तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है। अभी हमें मेल्ट करना है तो मैं माइक्रोवेव पे मेल्ट कर लेती हूँ। आप चाहो तो डार्क चॉकलेट ले सकते हो, लेकिन डार्क चॉकलेट थोड़ा कड़वा होता है पर हेल्दी है। चॉकलेट मेल्ट हो गया है, जितना क्वांटिटी का मैंने चॉकलेट लिया था माइक्रोवेव पे 1 मिनट लगा मेल्ट होने पे। डिपेंड करता है चॉकलेट का क्वांटिटी का ऊपर, अगर आप इससे थोड़ा कम क्वांटिटी का ले रहे हो तो 30 सेकेंड्स में ही मेल्ट हो जाएगा। अभी ये जो रोस्टेड वॉलनट्स हमने चॉप करके रख दिया था अखरोट, इसे हम डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए वॉलनट्स मिक्स कर लिया है चॉकलेट डिपिंग में। अभी हमें एक एक करके कोकोनट लड्डू लेना है और चॉकलेट डिपिंग में डालना है, इसे अच्छा से कोट करना है। हाँ
अभी बटर पेपर का ऊपर रखना है हमें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो जैसे ही मैं पब्लिश करूं आपका पास नोटिफिकेशन आ जाए। थोड़ा बहुत चॉकलेट निकाल देना है इसी तरह, ये देखिए इसी तरह बाकी लड्डू भी चॉकलेट में मैं डिप कर लेती हूँ। सारे लड्डू मैंने चॉकलेट में डिप कर लिया है। सेट होने के लिए अभी हमें 10 मिनट फ्रिज में रखना है। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद गर्म चॉकलेट में आप लड्डू डिप ना करें, थोड़ा सा ठंडा होने दें। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा चॉकलेट फिर से। थोड़ा ठंडा होने के बाद आप लड्डू डिप करें। 10 मिनट हो गया फ्रिज में से लड्डू मैंने निकाल लिया, कितना सुंदर लगता है देखिए। आप भी इसी तरह चॉकलेट कोकोनट लड्डू घर पे बनाए, एकदम इजी रेसिपी है आपने देखा, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए और बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। ये देखिए इनसाइड सॉफ्ट और आउटसाइड क्रंची और चॉकलेट कोटिंग के लिए टेस्टी, बहुत ही अच्छा लड्डू बनते हैं। आप कोई भी फेस्टिवल में ये लड्डू बना सकते हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।